नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एस्टीमेट में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि स्लैब कंक्रीट का हम एस्टीमेट किस तरह से करते हैं, कि स्लैब कंक्रीट का एस्टीमेट किस तरह करते हैं, कितनी क्वांटिटी हमारी स्लैब कंक्रीट में आएगी। जिस ड्राइंग से हम एस्टीमेट करना आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये पूरी ड्राइंग का प्लान दिया गया है इसमें। इसमें जब स्लैब बीम का एस्टीमेट हम करेंगे तो देखेंगे कि एरिया वाइज, जैसे हम फ्लोरिंग फ्लोर पीसीसी का किए हैं, उस तरह से ही हमारा सेम हमारा होगा स्लैब का कंक्रीट किस तरह से हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर हम कि स्लैब कंक्रीट का एस्टीमेट किस तरह से करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान दिया गया है स्लैब का। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा A1 है, ये हमारा A1 है, जो हमारा साइज़ दिया हुआ है बेडरूम का साइज हमारा है A1 है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1350 × 2950, यानी 1350 हमारा लंबाई लेंथ विड्थ हमारा 1350 × 2950 दिया गया है। इसमें से A2 का साइज़ हमारा दिया गया है, इसमें देखिए A2 हमारा ये हाल है, A2 का साइज़ यहाँ पर दिया गया है, A3 का साइज़ यहाँ पर दिया गया है, A4 का साइज़, A4 हमारा चार नंबर है, A4 का साइज़ दिया गया है, F5 का साइज़, F6 का साइज़, इस तरह से आपको ड्राइंग में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो आपको निकालना पड़ेगा कि ड्राइंग में हमारा कितना साइज़ है। वैसे आपको ये डिटेल पूरा ड्राइंग में दिया रहता है। अब इसका हमें कंक्रीट निकालना है, तो कंक्रीट में हम स्लैब का थिकनेस, यहाँ पर हम स्लैब का थिकनेस हम 100 mm लिए हैं, 100 mm हम लिए हैं यहाँ पे। और आपके ड्राइंग में जितना मेंशन हो, 100 mm या 125 mm, जितना भी मेंशन हो उतना आप ले सकते हैं स्लैब का थिकनेस। ये हमारा स्लैब का थिकनेस, यहाँ से मान लीजिए अगर हमारा स्लैब हो, ये 100 mm का हमारा स्लैब यानी 4 इंची 100 mm का होगा थिकनेस। तो इसका हम जब कंक्रीटिंग निकालेंगे तो एरिया वाइज निकालेंगे, क्योंकि हम बीम का निकाल चुके हैं। ये जो लाइन है हमारा, ये बीम है, जो स्लैब बीम है इसका कंक्रीट हम पहले निकाल चुके हैं, अब इसको हम छोड़ के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम फ्लोर पीसीसी किए हैं तो हाइट लिए हैं, मान लीजिए A1 का हाइट लिए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी हमारी हाइट होगी उसको लेंगे, लेंथ में इतना हमारा विड्थ में लेंगे दोनों का, और थिकनेस हमारा 100 mm है, तो इसका हमारा निकल जाएगा कंक्रीट। अब मान लीजिए A1 का ही हमारा निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम देखेंगे, तो नंबर ऑफ आइटम काउंट करेंगे, तो A1 एक जगह A1 दो जगह A1, नंबर ऑफ आइटम में अगर A1 का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ आइटम में A1 हमारा दो जगह हो जाएगा। अब A2 देखेंगे नंबर ऑफ आइटम, A2 का नंबर ऑफ आइटम देखेंगे तो एक जगह दो जगह A2 भी हो जाएगा। A3 देखेंगे, A3 में एक जगह दो जगह A3 हमारा हो जाएगा। और A4 में नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4 जगह A4 है हमारा, तो 4 जगह A हो जाएगा। और A5 हमारा है, A5 एक जगह है, और A6 हमारा दो जगह है, A6 हमारा दो जगह है, A5 हमारा दो जगह है, नंबर ऑफ आइटम मिल जाएगा। अब इसका लेंथ विड्थ निकालेंगे, तो लेंथ विड्थ आपको साइज से मिल जाएगा, जो फ्लोर पीसीसी किए थे उसका साइज से वहाँ से मिल जाएगा, जो कि आपको डिटेल यहाँ पर दिया गया है, लेंथ विड्थ मिल गया। अब हाइट निकालना है, तो 100 mm हम यहाँ पे थिकनेस लिए हैं स्लैब का, यहाँ से 100 mm ले लेंगे। अगर 125 आप लिए हैं तो वहाँ से, अगर ड्राइंग में डिटेल आपके साइड पे 125 दिया गया है तो वहाँ पे आप 125 ले सकते हैं। इस तरह से इसको हम टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेल शीट में हम इसका डिटेल देखेंगे, तो इसका हमारा निकल जाएगा स्लैब कंक्रीट हम किस प्रकार से निकालते हैं। इसी प्रकार से हम स्लैब कंक्रीट का सटरी निकालेंगे, तो आपका सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो हम लिए हैं, क्या लिए हैं, यहाँ पे जो थिकनेस लिए हैं इसी को हम हटा देंगे, तो हमारा निकल आएगा स्लैब बीम का सटरिंग हमारा कितना यूज होगा। अब आइए हम देखते हैं स्लैब कंक्रीट और स्लैब का सटरिंग किस प्रकार से हम एक्सेल शीट में निकालते हैं, तो चलिए मिलते हैं एक्सेल शीट पर। तो आइए अब देखते हैं स्लैब कंक्रीट का एस्टीमेट हम किस तरह से एक्सेल शीट पर करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका स्लैब कंक्रीट M25 ग्रेड के लिए हमारा एस्टीमेट हो रहा है, तो यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 एरिया वाइज दिया है। इसका हम डिटेल लेंगे, जो हमारी ड्राइंग है ये देखिए, ये हमारी ड्राइंग आपको एक जगह जहाँ पे हम ड्राइंग दिए हैं एस्टीमेट की ड्राइंग टोटल, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, लेआउट प्लान, ग्राउंड बीम एंड प्लिंथ बीम विथ एरिया वाइज डिटेल, जितना हमारा नीचे का एरिया वाइज है उतना हमारा ऊपर का है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे A1 है, ये भी A1 है, तो दो जगह हमारा A1 है,
तो यहाँ पे देखिए इस्टीमेट में यहाँ पे हम देखें A1 लिखें और नंबर ऑफ आइटम में दो जगह 2 लिखें। अब हम फिर आ जाएंगे यहाँ पे, अब इसका A1 का हमारा डिटेल कहाँ दिया गया है, A1 का डिटेल लेंथ विड्थ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसका लेंथ ले लिए हैं 3.05 और 2.95 मीटर। अब जो हमारी हाइट है या थिकनेस है उसकी मोटाई है, स्लैब की मोटाई हम यहाँ पे 100 mm लिए हैं, आप 125 भी ले सकते हैं, जितना आपको ड्राइंग में मेंशन किया गया है उतना आप ले सकते हैं। इस तरह से हम A1 का डिटेल ले लिए। अब इसी तरह से हम ड्राइंग के माध्यम से ही हम A1 का दो जगह हो गया, A2 का देखिए हमारा दो जगह हो जाएगा, A3 का हमारा दो जगह हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम अब लेंथ विड्थ यहाँ से मिल जाएगा और हाइट आपका सेम रहे, थिकनेस या हाइट आपका सेम रहेगा 100 mm। A4 का हमारा देखिए 1, 2, 3, 4 जगह A4 का मिल जाएगा, A4 का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। A4 A5 का हमारा एक जगह है, नंबर ऑफ आइटम एक जगह है, और A6 का दो जगह पे है, एक किचन है दो जगह पे है हमारा। तो इस तरह से आपका डिटेल यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं, आप ड्राइंग से मेंशन कर लेंगे। A2 दो जगह है, इसका लेंथ विड्थ हमारा हो जाएगा। A3 का हमारा दो जगह है आपको बताए हैं अभी, उसका लेंथ विड्थ हो जाएगा। और A4 का हमारा चार जगह था, इसका हमारा लेंथ विड्थ हो जाएगा। A5 का एक जगह है, इसका लेंथ विड्थ। A6 का दो जगह है, इसका लेंथ और विड्थ हो जाएगा। और सबका 100 mm हाइट या मोटाई या थिकनेस या हाइट या थिकनेस हमारा 100 mm है रहेगा। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो 0.1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट या थिकनेस। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमारा देखिए टोटल सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसका हम आल्ट प्लस सम आल्ट प्लस करेंगे तो टोटल का हमारा सम हो जाएगा। आल्ट प्लस यूज करेंगे तो हमारा सम देखिए यहाँ से पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया सम होने के लिए। तो हमारा 6.87075 क्यूबिक मीटर यानी 6.87 क्यूबिक मीटर हमारा कंक्रीट आएगा, जो कि हम स्लैब कंक्रीट ऊपर स्लैब ढालने में हमारा इतने मात्रा में हमारी क्वांटिटी आएगी स्लैब में। अब अगर हम शटरिंग का निकाल रहे हैं तो शटरिंग के लिए हम क्या करेंगे, आपका सब कुछ सेम रहेगा, आपका नंबर ऑफ हाइट ये सब सेम रहेगा, बस आपकी यहाँ पे दो यूनिट नहीं रहेगी, तीन यूनिट नहीं यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे दो यूनिट रहेगी। तो इसको हटा देंगे, लेंथ विड्थ और नंबर ऑफ आइटम ले लेंगे तो हमारा शटरिंग का निकल जाएगा। तो शटरिंग का हम निकाल दे रहे हैं, सीरियल नंबर 29 हो गया, यहाँ से हम इसको कॉपी किए हैं। जैसे जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सर, यहाँ पर स्लैब कंक्रीट तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, स्लैब का हम शटरिंग निकालेंगे। शटरिंग हो गया तो हम यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से लेके टोटल को हम कॉपी कर लेंगे इतना, तो हमारा कॉपी हो गया। अब ले आके यहाँ पे हम पेस्ट किए तो हमारा आ गया। अब शटरिंग के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम रहेगा, बस इसी को हटा देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा शटरिंग का, हमारा कितना स्लैब में करते वक्त हमारा शटरिंग लगेगा, स्लैब का कंक्रीटिंग करते समय हमारा कितना आएगा शटरिंग। यहाँ नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसको हम अब यहाँ से हम ड्रैग कर दिए तो हमारा देखिए पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ से हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको हम टोटल करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आप स्लैब शटरिंग का, तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, शटरिंग अब इसका हम टोटल करेंगे तो आर्ट प्लस करेंगे तो हमारा टोटल का सम हो जाएगा। तो इंटर करेंगे स्क्वायर मीटर में हमारा आ जाएगा शटरिंग का, इसको हम कलर कर देंगे कि हमारा मालूम हो जाए कि कितना है। इस तरह से हम स्लैब बीम कंक्रीट स्लैब कंक्रीट और स्लैब की शटरिंग का एस्टीमेट आपको करके दिखा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट किसी टॉपिक से एस्टीमेट करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।